नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हमें हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि ए बी तथा सी क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में राशि को निवेश करते हैं। यदि योजनाओं में क्रमशः 20%, 15% तथा 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है तो एक वर्ष पश्चात उनकी राशियों का अनुपात क्या होगा। उसने कहा तीन व्यक्ति हैं, तीन राशियों का निवेश करते हैं। व्यक्ति कौन कौन है, ए और बी और सी। तो हमें मान लेते हैं जो उनने मूलधन निवेश किया वह P1, P2 और P3 है। ठीक है, तो यह किस रेशियो में किया, उन्होंने किया 3:4:5। ठीक है, अब उनको ब्याज भी अलग अलग इंटरेस्ट रेट से मिला। तो हमने एक मान लिया R1, यह है 20%, एक को मान लिया R2, यह है 15%, और एक को मान लिया R3, यह है 10%। ठीक है, जो जो दिया है वो हमने लिख लिया है। उसने पूछा है तो एक वर्ष पश्चात उनकी राशियों का अनुपात क्या होगा। तो टाइम हमें दिया है एक वर्ष, तो वो भी हमने लिख लिया। अब उसने बताया है कि एक वर्ष बाद जो अमाउंट हो जाएंगे उसका अनुपात हमें बताइए, यानी A1:A2:A3 ये हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो A1 के लिए जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, यह होगा P1 + R1/100 अनुपात लगा देंगे। A2 के लिए लगाएंगे तो यह हो जाएगा P2 + R2/100। जब A3 के लिए लगाएंगे तो यह हो जाएगा P3 + R3/100। तीनों के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है। अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू हमारे पास है तो रख देंगे। P1 की वैल्यू 3, 1 + R1 की वैल्यू 20/100। यहाँ P2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, 1 + R2 की वैल्यू 15/100, P3 की वैल्यू 5 और 1 + 10/100। ठीक है, हमने सबकी वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब यहाँ हमको काट कर देना है, 10 से काटेंगे, 10 × 2 = 20, 10 × 2 = 100, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 10 + 10 = 2 = 12। यहाँ अनुपात लगाएंगे तो यहाँ 4 बाहर है, 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ 4 से अभी नहीं करेंगे, 4 से कट, यहाँ 4 × 20 + 20 = 3 = 23, 23/20 यहाँ बच जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 5 यहाँ पर है ही, 0 से 0 कट जाएगा, 10 + 10 = 11/10 यहाँ से बच जाएगा। 2 से और कट कर देंगे तो यहाँ क्या बटेगा, 12 × 3 = 36/10, 23 × 2 = 46/10, तो यहाँ बचेगा 11 × 55/10। सबके बटे में 10 है, 10 से गुणा कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 36, 46 और 55। A1 ratio A2 ratio A3। ठीक है, तो जो उनको राशियां मिलेंगी वह किस रेशियो में मिलेंगी, वह मिलेंगी A1, A2 और A3 के रेशियो में, यानी 36, 46 और 55 के रूप में उनको जो राशियां वापस होंगी वो राशियां मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, जो राशि दी गई है और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है उसके आधार पर हमने इसको सॉल्व किया है और आंसर हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।